अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से पिकअप एंड डिलीवरी की टाइम और डेट वगैरह चेकआउट पेज पे किस तरह से ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज आप एक ऐसा स्टोर बना रहे हैं जिसके ऊपर आप यूज़र को अलाउ कर रहे हैं कि वो पिकअप डिलीवरी या फिर डिलीवरी या पिकअप डेट और टाइम सेलेक्ट कर सके। लेट्स सपोज आपके एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आप बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह भेजते हैं, तो आप ये फैसिलिटी दे सकते हैं अपने यूज़र को कि वो ऑर्डर करते हुए ये मेंशन कर सके कि इस वाले दिन और इस वाले डेट और इस टाइम पे आपने ये वाला ऑर्डर मुझे डिलीवर करना है इस जगह पे। तो ये फैसिलिटी आप दे सकते हैं डेट और टाइम सिलेक्ट करने की। इसी तरह लेट्स सपोज आप अलाउ करते हैं अपने यूज़र को कि वो पिकअप कर सकें, ऑर्डर करने के बाद उस प्रोडक्ट को पिकअप कर सकें आपके वेयर हाउस से, तो आप ये फैसिलिटी दे सकते हैं चेकआउट पेज पे कि यूज़र सेलेक्ट कर सके कि इस डेट और इस टाइम पे मैं आऊँगा आपके वेयर हाउस और ये वाला प्रोडक्ट पिकअप कर लूँगा, तो वो आपके पास ताकि रिकॉर्ड रहे, राइट। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ किस तरह से ऐड करेंगे हम अपने WooCommerce के अंदर चेकआउट पेज पे, तो इस लेक्चर के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को ये सारा काम प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, एक ब्यूटीफुल सी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन की हुई है। ये वेबसाइट हमने डिज़ाइन की है आस्ट्रा प्रीमियम टेम्पलेट्स के जरिए। अगर आपको भी आस्ट्रा प्रीमियम अपनी वेबसाइट पे एक्टिवेट करवाना है तो सिंपल आप इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंतहाई चीप रेट्स के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर आस्ट्रा प्रीमियम एक्टिवेट कर दिया जाएगा विद लाइसेंस लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ। तो चलें चलते हैं मेन काम की तरफ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना है डैशबोर्ड के अंदर और प्लगइन्स ऐड न्यू प्लगइन्स, और यहाँ पे हमने सर्च करना है WooCommerce, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पिकअप। ओके, तो ये मैंने कुछ इस तरह से सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का ये वाला प्लगइन हमारे सामने नज़र आएगा जिसका जो ऑथर है वो ये हैं। इसको हमने क्या कर लेना है, सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद हमें इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा इस प्लगइन की सेटिंग्स का। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये प्लगइन्स की सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं, राइट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने WooCommerce डिलीवरी या वो डिलीवरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस पूरे प्लगइन की सेटिंग्स जो हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पहली सेटिंग है, वो है टाइम जोन सेटिंग। यहाँ पे आप कोई भी टाइम जोन सिलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ऑर्डर सेटिंग। यहाँ पे देखें, यही वाली सेटिंग्स आप लोगों ने करनी है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले आप लोगों ने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपने सेव चेंजेस कर लेना है, और यहाँ पे देखें ऑर्डर टाइप फील्ड लेबल डिलीवरी ऑप्शन लेबल तो सेल्फ पिकअप लेबल, तो ये लेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लेबल ऐड कर देता हूँ कि चूज अ टाइप ऑफ ऑर्डर, राइट। और यहाँ पे मैं डिलीवरी वाले ऑप्शन के लिए लिख देता हूँ चूज अ डिलीवरी डेट एंड टाइम। इसी तरह यहाँ पे मैं पिकअप के लिए लिख देता हूँ पिकअप डेट एंड टाइम। ओके, ये मैंने लिख के सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी और पिकअप की जो सेटिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं कि आप इनेबल डिलीवरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने डिलीवरी जो है वो इनेबल कर दी। उसके बाद इसको मैंडेटरी रखना चाहते हैं, जी मैंडेटरी रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन डेज के ऊपर आप अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखें, डिलीवरी इज ओनली अवेलेबल इन दोज डेज दैट आर चेक्ड, राइट। तो मैं कहता हूँ कि सारे दिनों के अंदर ही डिलीवरी जो है वो अवेलेबल है। तो सिंपल मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। उसी तरह हम पिकअप की तरफ जाएंगे। पिकअप के बाद हम यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे कुछ इस तरह से, और मैंडेटरी कर देंगे इसको। सिमिलरली यहाँ पे मैं डेज को ये कर सकता हूँ, और मैं कहता हूँ कि पिकअप के लिए हम संडे ऑफ करते हैं, सैटरडे संडे को डिलीवरी नहीं देते, लेट्स से। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑफ डेज के, कौन से डेज को आप डिलीवरी या पिकअप की फैसिलिटी नहीं देते, तो वो यहाँ पे आप पूरे साल की या जिस भी मंथ की वो आप उनको माइनस कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह डिलीवरी टाइम को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं कि डेट के साथ साथ टाइम भी यूज़र सेलेक्ट कर सके, तो इसको आपने इनेबल कर देना है, और इसको मैंडेटरी कर देना है, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें हैं तो वो कर सकते हैं। ये फील्ड का ऑप्शन मैं दूंगा चूज़ अ टाइम फॉर डिलीवरी,
ओके इसको मैंने सेव कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे पिकअप के लिए भी आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ। अच्छा ये क्यों पता नहीं एरर आ रहा है, तो अगेन मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा ये सेव हो चुका है आई गेस। तो ये सारी चीज़ें होगी, अब चलते हैं हम ज़रा अपने चेकआउट पेज की तरफ और देखते हैं कि जो ऑप्शंस या जो सेटिंग्स हमने की हैं वो हमारे चेकआउट पेज पे शो हुई है या नहीं हुई। तो हम सिंपल स्टैंडर्ड जो भी प्रोसेस होता है वो हम उस तरह से सिलेक्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, और उसके बाद उसको हम कार्ट के अंदर लेके जाएंगे और फिर चेकआउट पेज पे जाके देखेंगे कि जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो अवेलेबल या वो ऑप्शंस आए हैं या नहीं आए। तो यहाँ से मैं चेकआउट पेज की तरफ जाता हूँ। चेकआउट पेज में जाने के बाद यहाँ पे देखें जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म एक नज़र आता है हमें, और यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन वो नज़र आ गया चूज़ अ टाइप ऑफ ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर है, चूज़ अ डिलीवरी डेट एंड टाइम, चूज़ अ पिकअप डेट। ऑब्वियसली मैं कहता हूँ यार डिलीवरी के लिए मैं चाहता हूँ, किसी का बर्थडे का गिफ्ट है तो मैंने उसे वो भेजना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मैंने डिलीवरी कि आपने डिलीवरी के लिए ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस डेट को और इस डेट को और इस टाइम पे आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स सपोज 12 AM नॉर्मली होता है, यहाँ पे देखें इस 12 AM पे आपने क्या करना है, इसको डिलीवर करना है और उसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर कर सकता हूँ, राइट। तो ये ऑप्शन इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं अपने WooCommerce वेबसाइट के अंदर, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आपको शॉर्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मजीद मिलती रहें, और इंस्टाग्राम पर आप आके किसी भी कन्फ्यूजन के अबाउट मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।